हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हेट्रिन के बारे में। गाइस, हेट्रिन की रेड्स कैसे, हेट्रिन को कैच करें गाइस, विदाउट रेड कैसे कैच किया जाए और क्या इसके बेस्ट मूव सेट रहेंगे, कौन सी लीग में बेस्ट रहेगा गाइस, और रेड्स के लिए कैसा पोकेमोन है, हम लोग ऑल ओवर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वेदर बूस्ट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो गाइस, फटाफट से गाइस भाई का चैनल कर दो यार, है ना। तो भाई लोगों, हीट्रेन ये कैसा पोकेमोन है यार, जो मतलब रेड्स के लिए तो ये पोकेमोन ऐसा है कि इसको आप इजीली हरा सकते हैं। हीट्रेन हो गया, जेनेसेक्ट हो गया, हो गया, मोल्ट्रस हो गया, ये कुछ नाम है गाइस जिनकी डबल वीकनेस आप लोगों को पता रहती है और इनकी डबल वीकनेस बहुत कॉमन है, ठीक है। वहीं पर रजिस्टील की फैमिली जो थी गाइस, उसको सोलो करना मुश्किल था क्योंकि उसकी डबल वीकनेस नहीं थी। तो गाइस, आपको काम करना, आपको फटाफट से कमेंट करना है कि हीट्रेन की डबल वीकनेस क्या है, किस अटैक पे ये डबल वीक है। सबसे पहले गाइज, मैं आपको ले जाके चलता हूँ गाइज हीट्रेन पे। तो मेरे पास बहुत हीट्रेन है, बहुत ज़्यादा हीट्रेन है, और ये मतलब थे बहुत ज़्यादा। कहाँ भैया, कहाँ गए हैं? सो गाइज, दीज आर द सम हीट्रेन। तो एक हीट्रेन खोल के बैठ जाते हैं। तो गाइज देखिए, 2020 में इसकी रेड हुई थी, मेरे पास शाइनी हीट्रेन एक भी नहीं है। मैंने बहुत रेड की, मुझे शाइनी नहीं मिला, ठीक है। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हीट्रेन इज़ अ स्टील एंड फायर टाइप पोकेमोन गाइस। स्टील की वीकनेस और फायर की एक कॉमन वीकनेस है जो कि ग्राउंड। अगर आपके पास कोई ऐसा पोकेमोन है जो कि ग्राउंड अटैक करता है, ग्राउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक होता है गाइस अर्थक्वेक। अगर कोई आपके पास ऐसा पोकेमोन है जो अर्थक्वेक करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली गाइस। अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है गाइस, तो उसको उठाओ, जगाओ और उसको लेके जाओ। आपको सिर्फ दो अटैक की जरूरत है गाइस, मड स्लैप अर्थक्वेक या फिर मड शॉट अर्थक्वेक। ये अगर अटैक आपके पास है तो भैया बल्ले 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 हो जाएगी। तो अभी मैंने एक वीडियो बना रखी दिखाई एक्सका ड्रिल के ऊपर। तो एक्सका ड्रिल के बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन चेक कर लेना, फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो लगा दूंगा उसकी। तो गाइज, वो एक ऐसा पोकेमोन है जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। तो मैं आपको उसकी एक बार, मैं आपको सारे पोकेमोन दिखाता हूँ जो जो पोकेमोन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्सका ड्रिल को यूज़ कर सकते हैं गाइज, इसका भी मड स्लैप है, कुछ दिनों में मड शॉट भी आ जाएगा गाइज। तो मड स्लैप और अर्थ क्विक अगर इसका आप अटैक दे देते हैं तो आप इजीली गाइज इसको लेके जाओ, रेड्स जीत जाओगे। यू नीड ओनली 6 के 6 ये लेके जाओगे, रेड पक्का जीत जाओगे। अब बात आती है गाइज, ये बंदा स्टील टाइप पोकेमोन है, बाई चांस सामने हीट्रेन फायर ब्लास्ट या फिर फ्लेम थ्रोर करने लग गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज अगर उसके पास रॉक स्टोन एज है या फिर आयरन हेड है या फिर बग अटैक है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं पर गाइज, दूसरा पोकेमोन आपके लिए, अगर आपके पास शायद थोड़ा लेट हो रहा है बट अगर वो है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ग्राउडोन गाइज। ग्राउडोन एक काफ़ी अच्छा पोकेमोन रहेगा गाइज अगर आप लोगों के पास है तो। तो यहाँ पर आपको एक मड शॉट अटैक मिल जाएगा और एक और चाहिए होगा गाइज जो कि है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कोई लेगेसी मूव नहीं है बट मैं यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ कुछ लेगेसी मूव्स हैं इसलिए। तो इसके बाद गाइज, गार चौंप इज क्वाइट, मतलब उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है गाइज, ना तो ये स्टील टाइप है ना कुछ, तो इसको इतनी दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर लेगा अगर आप ये लेके जाएंगे तो। मतलब आपको सिर्फ चाहिए मड शॉट जो कि दे रखा है मैंने, और दूसरा अटैक चाहिए गाइज अर्थक्वेक जो कि ईजिली मिल जाएगा। ये पोकेमोन्स हैं तो आप ईजिली रेड जीत जाओगे। अभी गाइज, जो लोग 2020 में गेम खेलते आए हैं और जिन लोगों ने दिसंबर में भी ये गेम खेला है, उन सबके पास ये वाला पोकेमोन पक्का होगा। ये वाला अगर पोकेमोन है तो इसकी फौज लेके जाना है बस। बट अटैक इसके क्या होने चाहिए गाइस, मड स्लैप और अर्थक्वेक। तो रॉक ब्रेकर अगर आपके पास है गाइस तो उसको चेंज मत कर देना गलती से, नया अटैक खोल के अर्थक्वेक लगाना है, ठीक है, क्योंकि रॉक ब्रेकर इज़ अ लेगेसी मूव। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान दें कि इसमें अर्थक्वेक लगाने से पहले बार चेक कर लेना कि रॉक ब्रेकर तो नहीं है, क्योंकि रॉक ब्रेकर एक बार चला गया फिर भैया लाइट चार्ज टीम लग जाएगा, बेफालतू में रोना धोना चलेगा। जैसे कि यहाँ पर स्टोन एज है, स्टोन एज को चेंज कर सकते हो गाइज, यहाँ पर भी रॉक ब्रेकर है, इसको इसके लिए नया अटैक देना पड़ेगा। और मड स्लैप और अर्थक्वेक, रॉक ब्रेकर चेंज मत कर देना गलती से भी गाइज। तो ये कुछ पोकेमोन है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही शानदार इनका इंपैक्ट रहेगा। जितने भी ग्राउंड टाइप पोकेमोन को यूज़ कर सकते हैं, लेंडोरियस अगर है तो लेंडोरियस भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, राइडोन भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी मतलब ग्राउंड टाइप अटैक करने वाले पोकेमोन हैं।
मेटा ग्रॉस यूज नहीं कर सकते गाइस। अगर लक बाय चांस सामने वाला बग अटैक और स्टोनेज कर रहा है तो मेटा ग्रॉस यूज कर सकते हो गाइस, अदरवाइज नहीं। बाकी इसकी वीकनेस है गाइस, ग्राउंड तो मतलब बेस्ट है, वाटर और फाइटिंग ये भी मतलब इसकी एक टाइप की वीकनेस है। बात करें गाइस इस पोकेमोन की रजिस्टिविटी के बारे में, तो ये पोकेमोन गाइस बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी वाला पोकेमोन है। बिकॉज ऑफ स्टील एंड फायर इसकी रजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि ड्रैगन, साइकिक, नॉर्मल, फाइटिंग, फाइटिंग नहीं है गाइस, ड्रैगन, साइकिक, नॉर्मल, फ्लाइंग, ग्रास, स्टील, बग, आइस, पॉइजन, फेरी, ये इसकी काफ़ी अच्छी इन अटैक से काफ़ी रजिस्टिविटी इसकी अच्छी है गाइस। अब बात करते हैं गाइस, जैसे कि मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता दिया, जेंसेक्ट हो गया, हो गया, क्यूरम हो गया गाइस, तो ये सारे पोकेमोन आप लोगों ने बिना रेट्स के भी पकड़े हैं। कोबेलियन भी हो गया, कोबेलियन के टाइम से गाइस आपको ये अपडेट मिल चुका है कि आप बिना रेट्स के पोकेमोन पकड़ सकते हैं। तो ये एक बार फिर जान लो गाइस, अगर आप बैटल्स करते हैं और अगर आपकी रैंक अच्छी है गाइस तो आप लोगों को मिल सकता है यहाँ से, जैसे जेंसेक्ट है गाइस वैसे आपको हीट्रेन मिल सकता है। हीट्रेन काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब ठीक ठाक टाइम पर रहेगा गाइस, तो आप लोग इसको कैच कर सकते हैं गाइस। तो ये 12 तारीख को गाइस आ जाएगा, 12 जनवरी को आ जाएगा ये आप लोगों के साथ, और ये गाइस रहेगा 12 से 19 तक। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी दिन है, अगर आपका लेवल कम है तो आप लेवल अप कर सकते हैं फटाफट से गाइस, अदरवाइज़ अगर आपको रेट्स, ये तो रेट के बिना हो गया, इसमें आपको बस 3 मैच जीतने और आपको मिल जाएगा हीट्रेन गाइस, बट इसमें भी थोड़ा सा लक फैक्टर काम करता है, बट अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो आपको शाइनी मिलने के भी चांस है और अच्छी आईवी के मिलने के भी चांस रहेंगे। वहीं पर गाइज अगर आपके पास ये वाला काम भी काम नहीं कर रहा है तो रेट्स के लिए गाइज हमारा सर्वर खुला हुआ है आप लोगों के लिए, लाइव स्ट्रीम भी होगी और आप लोगों को हीटर जरूर पकड़वाएंगे। शाइनी इसका अवेलेबल है गाइज, शाइनी के लिए एक बात बोल दूँगा, इस शाइनी कैच करने के लिए आपको एक वीडियो चेक करनी पड़ेगी जो कि डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें कि चेक, उसमें हम लोगों ने शाइनी चेक के ऊपर वीडियो बना रखी है, कितने चेक पे हमें हीटरन मिल सकता है शाइनी वाला, तो वो एक बार देख लेना गाइस। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सी लीग के लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस मैंने तो अभी इसको वेबसाइट पे देखा है, नेट पे, तो वहाँ पर गाइस सबसे बढ़िया जो मुझे लगा मास्टर लीग में इसकी गाइस रैंक 38 दिखा रहा है, और उधर उन्होंने बताया भी है कि किस किस पोकेमोन से काफ़ी बढ़िया डिफेंस या फिर मतलब उनसे ये उनको हरा सकता है गाइस, उनके सामने जीत सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मास्टर लीग की, तो वहाँ पर एक पोकेमोन है गाइस डियाल्गा, तो डियाल्गा जो है पोकेमोन है गाइस स्टील टाइप है, तो उसके सामने ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि डियाल्गा कोई भी अटैक इसको कोई हार्म नहीं करेगा। डियाल्गा हो गया, टोगेकिस हो गया, लुगिया हो गया, मेटाग्रॉस हो गया, डार्करा हो गया, ये इसने कुछ पोकेमोन बताए, इनके सामने ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। बात करते हैं गाइस बेस्ट मूव सेट क्या होना चाहिए हीटर के। गाइस बेस्ट मूव सेट के लिए मैं बता दूं गाइस, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फास्ट अटैक में फायर स्पिन होना चाहिए गाइस, उसके बाद फ्लेम थ्रोअर, ये दो अटैक कंपलसरी है गाइस। तीसरा अगर अटैक आप अनलॉक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको होना चाहिए गाइस आयरन हेड। आयरन हेड काफ़ी क्विक अटैक है और क्विक मतलब फ्रिक्वेंट है, मतलब जल्दी वो उभरता है, और बहुत सारे पोकेमोन ड्रैगन हो गया इन सब में गाइस आयरन हेड काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और हाँ मेल मेटल के सामने ये वीक है गाइस, क्योंकि मेल मेटल के पास सुपर पावर है और इसका जो फास्ट अटैक है फायर स्पिन वो मेल मेटल को वीक जरूर करेगा, बट मेल मेटल इज बल्की पोकेमोन तो वो इसको ख़त्म कर देगा, तो वो स्टील टाइप देख के उसके सामने इसको लेके मत चले जाना, क्योंकि उसके पास सुपर पावर है गाइस, पता नहीं इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई उसके पास। एनीवेज ये था इस वीडियो में गाइस, आई होप आप लोग काफ़ी हेल्प मिल गई, काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा कैसे करना है, डुओ कर लेना कोई बेस्ट फ्रेंड हो जाए, आजकल तो लेवल 40 प्लस हो तो मतलब इजी हो रहा है डुओ। और सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं भाई जल्दी, बाय बाय गाइज़।